दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। मौलाना तौकीर रजा खान ने धृतराष्ट्र से की पीएम मोदी की तुलना, कहा यदि मुसलमान बाहर आ गए तो कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और इस्लामिक स्कॉलर तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तौकीर रजा खान ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर यदि पीएम मोदी अंधे और बहरे बने रहे तो भारत में दोबारा महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। तौकीर रजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान घर से निकलकर सड़कों पर आ गए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तौकीर रजा खान को पहले भी पीएम मोदी और हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित को पहले आतंकवादी तक कह डाला था। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र कहा है और साफ कर दिया है कि यदि मुसलमान बाहर आ गए तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगली बड़ी खबर, जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की बात पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा अगर ऐसा हुआ तो बह जाएगा हजारों लोगों का खून। ये आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। संभल की जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने के प्रयासों के मामले में धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का खून बह जाएगा, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सपा सांसद ने आने वाले ईद के त्योहार पर नमाज पढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान देकर कहा कि देश में कानून को दरकिनार कर बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए बीजेपी तरह तरह के काम कर रही है, इंसानों के साथ में इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जा रहा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अपराधियों माफियाओं के खिलाफ में बुलडोजर की कार्यवाही को पूरे तरीके से गलत बताया है। बयान देकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है, कानून को दरकिनार कर बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने के प्रयासों के मामले में धमकी देते हुए कहा कि अगर जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश भी की गई तो हजारों लोगों का खून बह जाएगा और मुसलमान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा अगर दंगे चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। एमसीडी पर धर्म विशेष पर निशाना रखकर कार्यवाही करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि एमसीडी ने इस तरीके के आरोपों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में दंगे हो रहे हैं और ये दंगे कौन करा रहा है ये सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपको दंगे चाहिए तो आप भी बीजेपी को वोट दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली हम लोगों को बांटना नहीं बल्कि एक करना जानते हैं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमारा मकसद ही एक दूसरे को एकजुट रखना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करना चाहते हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही आप एकजुट रहेंगे तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप बटे हुए हैं तो सब बिखर जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें पूरे विश्व से अपना रिश्ता मजबूत रखने की जरूरत है, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमें लोगों को डराना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हम लोगों को बांटना नहीं एक करना जानते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी लोगों को अमित शाह के घर पर हमला करने के लिए उकसा रही है। ये आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को पार्टी मुख्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता लोगों को भाजपा मुख्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना होने के साथ साथ पूरे तरीके से अवैध भी है। बिदूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं को इस तरीके के शर्मनाक बयानों के लिए
पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भिदुड़ी ने एक बयान में कहा कि जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान से आम आदमी पार्टी नेताओं को जिस तरीके की पीड़ा हुई है उससे साफ पता चलता है कि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की धमकी पर मुंबई पुलिस हुई सतर्क, 3 मई के लिए की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि देश में इन दिनों लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट का माहौल है। 3 मई को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। मुंबई पुलिस का दावा है कि वो मात्र 5 मिनट में किसी भी दंगे की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। इसके चलते शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर कहा कि अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये धमकी गले की फांस बनती दिख रही है। दरअसल मुंबई की मस्जिदों में अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग सबसे पहले बीजेपी नेताओं ने ही उठाई थी, लेकिन पिछले हफ्ते भर में राज ठाकरे ने इसे पूरे तरीके से हथिया लिया है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो, अगर इनको हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कर लो। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे की धमकी के बाद 3 मई के लिए पुलिस ने अलर्ट कर दिया है और बड़ी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा रावण की तरह मोदी सरकार को भी था अहंकार, लेकिन 13 महीनों में ही कृषि कानूनों को लेना पड़ा वापस। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि रावण की तरह केंद्र सरकार को भी अहंकार था, लेकिन उसे 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। सरकार को बहुत समझाया कि किसानों से मत उलझो, लेकिन सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद कानून वापस लेने पड़े। मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल की आजादी के बाद भी किसानों का बुरा हाल है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छोटा किसान इतना गरीबी में जीता है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश की 45% आबादी खेती पर निर्भर करती है। ये आबादी अगर ठान ले तो बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को मैंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करो, तो इन्होंने कहा कि आप सरकार बनाओ और खुद खत्म करो। हमने चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में बनी और अब कर्नाटक में सरकार बनानी है। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की राज्य की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब आम आदमी पार्टी 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि यदि ये आबादी ठान ले तो बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकती है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने साफ कर दिए अपने इरादे, शिवपाल यादव पर हुए गरम और आजम खान पर पड़े नरम। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में चली बगावत की आंधी पार्टी को अब किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ शिवपाल यादव बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं तो दूसरी तरफ आजम खान का परिवार भी बेहद नाराज है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक तरफ शिवपाल यादव को इशारों में भाजपा का करीबी बताते हुए चले जाने को कह दिया तो दूसरी तरफ आजम खान को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। शिवपाल यादव के भाजपा संग जाने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि चाचा अब विरोधी दल के संपर्क में हैं और साफ कर दिया है कि ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं रहेंगे। आगरा में शिवपाल यादव को लेकर किए गए सवाल पर अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि जो भाजपा से मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव आज लखनऊ में अपने अगले बड़े कदम का खुलासा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से आजम खान का खेमा भी अखिलेश यादव से खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। आजम खान के समर्थन में मुस्लिम नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफों के बीच सपा गठबंधन के साथी और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आजम खान के घर पहुंचे। अटकलें हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के दूत के रूप में आजम खान के घर पहुंचे हैं और मुस्लिम नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अखिलेश चाचा शिवपाल यादव के अलगाव को मंजूर कर चुके हैं। वो चाचा को साथ
रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। इस बात को काफी हद तक उन्होंने चुनाव में उसी समय साफ कर दिया था जब शिवपाल यादव को महज एक सीट दी थी और सपा के सिंबल पर ही लड़ने को मजबूर किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजम खान के अलगाव से पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें अब शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अखिलेश यादव प्रत्यक्ष तौर पर इसे स्वीकार करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि शिवपाल यादव जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मुलाकात करने जाएंगे। शिवपाल भविष्य की रणनीति पर करेंगे मंथन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उथल पुथल और पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जेल में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश यादव के खिलाफ में बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। दूसरी तरफ आजम खान के समर्थकों में नाराजगी से स्वर उठने से इस्तीफे तक हो रहे हैं। ऐसे में शिवपाल यादव का जेल में आजम खान से मिलना समाजवादी पार्टी के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम खान परिवार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज माने जा रहे शिवपाल यादव अब आजम खान के साथ मिलकर किसी नई राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक पार्टी पर विचार विमर्श कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर जमकर भड़के राहुल गांधी। बोले, असहमति को कुचल सकते हैं लेकिन सच्चाई को कैद नहीं कर सकते। आपको बता दें कि देर रात दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप असहमति को कुचल सकते हैं लेकिन सच्चाई को कैद नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बीजेपी डरी हुई है। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तानाशाह इस वक्त पूरे तरीके से डरा हुआ है। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। पूरे देश में ऐसी कार्यवाही रोकने की मांग पर भी जारी किया नोटिस। आपको बता दें कि अगले 2 हफ्ते तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम के बुलडोजर थमे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले पर नोटिस भी जारी कर दिया है। साथ ही देश के दूसरे शहरों में चल रही ऐसी कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी तक सीमित होगी, देश के दूसरे हिस्सों में चल रही कार्यवाही पर उसका यह आदेश लागू नहीं होगा। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर अब अंतरिम रोक लगा दी है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए सख्त आदेश। कहा, मौके पर जमा कराएं चालान, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा करें ट्रैफिक पुलिस। आपको बता दें कि दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास और विभागों में काम को लेकर काफी सख्त हैं। यूपी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस विभाग और ट्रैफिक चालान के भुगतान में बदलाव को लेकर कई निर्देश जारी कर दिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे जाने वाले चालान की राशि को मौके पर ही जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा देनी चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो भी चालान जाते हैं उन्हें मौके पर ही भरा जाए। यूपी में खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, जिस देश ने किया था कभी भारत पर राज, आज वहां के प्रधानमंत्री ने भारत में चलाया साबरमती आश्रम में चरखा। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखा भी चलाया। इसके बाद उन्होंने मेहमानों की पुस्तिका में एक नोट भी लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे लिए इस आश्रम में आना सौभाग्य की बात है। ये समझने की बात है कि एक साधारण व्यक्ति ने
सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए संगठित किया। बता दें कि जॉनसन का अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वागत किया। इसके बाद उनका हवाई अड्डे से लेकर होटल तक 4 किलोमीटर के रास्ते में भव्य स्वागत किया गया। भारत दौरे के दौरान पहले दिन पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के बड़ोदरा स्थित हलोल में बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी यूनिट का दौरा किया। बता दें कि देश में इन दिनों बुलडोजर काफी चर्चा में है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में हिंसा वाली जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल इसका जिक्र बुलडोजर निर्माता कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री को लेकर है। आपको बता दें कि उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बोरिस जॉनसन ने बुलडोजर पर चढ़कर फोटो भी खिंचाया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।